सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ये कौन है? ये सुधाकर साहू, ये सोरों के क्या करते हैं? करते तो आपने ऐसा तो नहीं पैसे ले दे के मतलब जवान पीछे कर लो। और वो पिस्टल 2007 में रामपुर के ब्लॉक प्रमुख है जगवीर जाट, जगवीर जाट की हत्या करके 8 लोगों ने लूटी थी, उसी पिस्टल से इनको गोली मारी गई। जिन 8 लोगों ने हत्या की थी उसमें 2 लोग पुलिस मुठभेड़, यही है तो इसलिए हमने इनको बुलाया है वहाँ से। अपराधी मारे गए थे, इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पुलिस को मिली है और इन पे जनपद हापुड़ में आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। ये गैंगस्टर वहाँ से थे अपने अन्य साथियों के साथ और उन्होंने जिस व्यक्ति को गोली मारी थी वो शहरयार थे जो यहाँ आप लोग के सामने मौजूद हैं। इनकी गवाही हुई और इसमें इन सभी लोगों को कई मामलों में, कुछ में 10 वर्ष की सज़ा, कुछ केस में 7 वर्ष की सज़ा, कुछ केस में 5 वर्ष की सज़ा हो चुकी है और ये 7 वर्ष जेल में रहने के पश्चात ये अभियुक्तगण जो मुठभेड़ में मारा गया मुस्तकिन और नौसाद, ये वहाँ से बाहर निकले जमानत पर। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें जमानत दिया गया। ये इनका जो रहने का पता पाया गया, अलग अलग स्थानों को इन्होंने फर्जी पते बनवाए, पहले मुजफ्फरनगर झुग्गी झोपड़ी, उसके पश्चात शामली, गाजियाबाद, छर्रा और सारी जगह पे इनके एड्रेस निकले हैं। वोटर लिस्ट में इन्होंने अभी 2017 में अपना नाम शामिल करवाया था, 18 लोगों का नाम फर्जी एड्रेस से वोटर लिस्ट में छर्रा के शामिल है। BLO से हम लोग बात कर लिए, इन चीज़ों को हमने सत्यापित कर लिया। मूलतः जो इनकी पहचान अभी तक हो पाई, उनकी जो ट्रेस अभी हुई है, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में इनके कुछ लोग कुनबे में वहाँ टेंट डाल के रह रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स और डिटेल्स वहाँ से हमारे पास आ गए हैं। बाकी कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित कर रही है। जो इनकी बेल हुई है इस गैंग की, वो फर्जी जमानतदारों को करके कराई गई, जो जमानत लिया है वो व्यक्ति भी यहाँ मौजूद है, आप उससे बात कर सकते हैं, 2000 रुपये लेके उसने इनकी जमानत ली थी। बाकी अब हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें और भी सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या मानते हैं, जानकारी नहीं है तो जितने लोग बीच में आ गए फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, इस तरह सारे मुद्दों की जाँच होगी। कहा गया है किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो बताए और इस बात की भी जाँच होगी कि क्या ये गैंग यहाँ ऑपरेट हो रहा है, क्या कोई व्यक्ति है ऐसा जो इनको जानबूझ कर संरक्षण दे रहा, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। आपका क्या रोल रहा था, किस तरह से जमानत ली थी, किस किस की जमानत दी थी आपने? जमानत किसकी ली थी आपने? सुधाकर साहू, और अगर साहू लगा के लाया था। जमानत किसकी ली थी और कितने रुपए में ली थी? अभी ये पता नहीं है, आपको याद नहीं? 2000 रुपये। कौन से साल जमानत ली थी आपने? ये पता नहीं किसकी जमानत ली थी, ये नहीं पता। सुधाकर साहू ने ले पाई, नाम पता नहीं है मेरे। मुस्तकिन वगैरह किस किस की थी? मुस्तकिन की जमानत दी थी आपने? नौसाद की सर, नौसाद की, अफसर की, आपको याद नहीं? पासा की नहीं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।